नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने फिर से अपने फार्म में नए चूजे डाल दिए हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन से ब्रीड के चूजे डाले हैं, कितने चूजे डाले हैं और इन चूजों को लाने में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग देख सकते हैं, चूजे लाने से पहले मैंने इस तरीके से ब्रूडिंग रूम तैयार करके रखा हुआ था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने प्लास्टिक बिछा के रखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले मैंने अच्छे से लिपाई पोताई किया था और वो सूखने के बाद वहाँ मैंने अच्छे से B904 स्प्रे कर दिया और उसके ऊपर मैंने धान का जो भूसी होता है, धान को कुटाने के बाद जो छिलका निकलता है, उसे मैंने अच्छे से यहाँ बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से प्लास्टिक बिछा के रखा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी अभी चूजे लाए हैं और ये सोनाली ब्रीड है। मैंने सोनाली ब्रीड के 96 चूजे लाए हैं, मतलब 96 चूजे लाए हैं। सबसे पहले मैं इन सभी चूजों को इस बक्से से निकाल कर ब्रूडिंग रूम में रखने वाला हूँ। मैंने सभी चूजों को ब्रूडिंग रूम में रख दिया है। अब मैं इन चूजों को गुड़ पानी पीने के लिए देने वाला हूँ। देखिए, जब भी हम हैचरी से चूजे लाते हैं तो चूजे लाने के साथ साथ उन्हें फीड खाने के लिए नहीं देना है, उन्हें मिनिमम 1 से 2 घंटे तक सिर्फ गुड़ पानी पीने के लिए देना है और उसके बाद ही उन्हें फीड खाने के लिए देना है। मैंने गुड़ पानी चूजों को दे दिया है और ये मैं 1 घंटे तक इन्हें देने वाला हूँ और 1 घंटे के बाद ही उन्हें मैं फीड खाने के लिए देने वाला हूँ। चूजों के स्ट्रेस कम करने के लिए और उनका पेट साफ करने के लिए पहले के 1 से 2 घंटे तक उन्हें सिर्फ गुड़ पानी पीने के लिए दिया जाता है। गुड़ पानी दिए हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं इन चूजों को प्रीसरर दाना खाने के लिए देने वाला हूँ। ये प्रीसरर दाना जो होता है, ये बारीक दाना होता है और ये चूजों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, इसलिए पहले अवस्था में चूजों को प्रीसरर दाना देना बहुत ही जरूरी है। ये रात का समय है और रात के समय में चूजों को ताप देने के लिए मैंने 200 पावर के एक लाल रंग का बल्ब लगाया है और एक इमरजेंसी बल्ब लगाया है। इमरजेंसी बल्ब मैंने इसलिए लगाया है ताकि बिजली जाने पर चूजे शोर ना मचाए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन 96 चूजों को खरीदने में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। देखिए, एक चूजा मैंने 27 रुपये में खरीदा है, तो उसके हिसाब से 96 चूजों का प्राइस हो गया था 2592 रुपये। इन चूजों के लिए मैंने एक बैग 50 kg प्रीस्तर दाना लाया है और उसका प्राइस हो गया था 2500 रुपये। और इन चूजों के लिए मैंने सिर्फ 2 वैक्सीन लाया है, 5 दिन का और 12 दिन का वैक्सीन ही मैंने लाया है। 21 दिन का और 28 दिन का वैक्सीन मैं बाद में लाने वाला हूँ। इन 2 वैक्सीन को खरीदने में मेरा खर्चा हुआ था 60 रुपये और एक एंटीबायोटिक का पैकेट मैंने 90 रुपये में खरीदा है। यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ 2 वैक्सीन और एक एंटीबायोटिक का पैकेट ही खरीदा है, मैंने विटामिन, कैल्शियम ये सब मेडिसिन नहीं खरीदा है, क्योंकि ये सारे मेडिसिन मेरे पास अभी मौजूद है। अब टोटल करते हैं, चूजे खरीदने में खर्च हुआ था 2592 रुपये, प्रीसरर दाना खरीदने में खर्चा हुआ था 2500 रुपये और 2 वैक्सीन और एक एंटीबायोटिक का पैकेट खरीदने में खर्च हुआ था 150 रुपये और आने जाने के लिए खर्च हुआ था 100 रुपये। तो टोटल कितना होता है, 5342 रुपये। मतलब 96 चूजों को घर पहुंचाने तक टोटल खर्च हुआ है 5342 रुपये। मैंने इन चूजों के लिए स्टटर फीड नहीं लाया, क्योंकि स्टटर फीड मेरे पास मौजूद है। हमारे जो भी साथी भाई 100 मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं,
उनके पास अगर 5,342 रुपए है तो वो शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक दिन के 100 चूजे खरीदना है और उनके लिए एक बैग प्रीस्टर दाना जरूर लेना है और वो उन्हें कंप्लीट खिलाना है। और उसके बाद आप लोग चाहे तो उन्हें बाहर छोड़ सकते हैं, उन्हें घर का बनाया हुआ फीड खिला सकते हैं और वेस्टेज भी खिला सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग उन्हें कम से कम खर्च में तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।